यहाँ देखिए ये यमुना माता और ये गंगा माता, पूरा मतलब दिख तो आपको अलग दिख रहा है पूरा। ये ब्राउन है और ये ग्रीन है, दिख रहा है ना जी। अगर ध्यान देखो तो मिल के जब गंगा जी मिल रही है तो बहुत तेज मतलब प्रभाव आ रहा है। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, बहुत ही खूबसूरत दर्शन। जय हो, जय गंगा मैया। जी 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 जी, बहुत ही तेज नदी, नाव किसी उधर नहीं जा रही, इसलिए इतनी स्पीड है। देखिए आपको दिख रहा है वो सारे जो घर जैसा बना हुआ है। जी जी जी, ये अखाड़ा है नागा बाबा साहब। अच्छा, वो अखाड़ा। अच्छा, ये तो मतलब बहुत है यहाँ, यहाँ संगम बेसिकली ना। ओहो, वो देखो भैया पूरा ग्रीन दिख रहा है उधर, पूरा यहाँ बुरा हूँ। आराम से चलो। ये तो बहुत तेज हो गया। हाथ को बाहर मत करिए, फोन पर रख दीजिए। जी बता दो, जहाँ नहाएंगे वहाँ कमर तक पानी है। वो देखिए यमुना माता दिख रही है और पूरा दिख रहा है यहाँ से आपको गंगा मैया। जी जी, मैं इसको फोन से भी कैप्चर कर लेता हूँ। वो देखिए सामने यमुना जी दिख रही है और यहाँ पे गंगा माता, यहीं पे गुप्त रूप में मानी जाती है सरस्वती माता। टाइम में त्रिवेणी संगम पे है, एक्चुअल संगम पे है, ठीक है। सो देखिए हम लोग नाव से आए हैं, ठीक है, मैं आए हैं और आप तो प्रसाद साथ अगर आपको लेना हो नारियल वारियल चढ़ाने के लिए ले सकते हैं आप लोग। और ये देखिए आपको उधर दिख रहा है जो कलर दिख रहा है वो यमुना जी का है, ये गंगा माता का, और यहीं पे संगम हो रहा है। यहाँ पे गुप्त रूप में माँ सरस्वती जी मानी जाती है। और हम लोग कहाँ से आए वो दिखाता हूँ मैं। वो देखिए हम लोग उस जगह से यहाँ तक आए, और एक चीज यहाँ पे नहाने के लिए इस साइड पानी जो कि कमर तक है और इधर 20-20 फीट गहरा है, मतलब तो नहाने के लिए आप लोग को इधर नहाना। जय गंगा मैया। तो यहाँ पे जो बोट है नाव, पूरा उन लोगों ने एक साथ पूरा वो बना लिया है कि एक तट टाइप का, तो नाव का ही पूरा तट बना। तो यहाँ पे हम लोगों ने नारियल लिए हैं और उसको जाके सीधे छोड़ना है। आपकी जैसे अच्छा इसको माथे पे लगा लीजिए, जो मांगना है मन में मांग के छोड़ दीजिए। जय माता दी। ले लगाओ ऊपर साथी। अभी नहीं, अभी छोड़ के वापस आएंगे ना। इसमें डाल देते क्या? ये क्या भैया, ये क्या मतलब? यहाँ पे भैया डुबकी लगा रहे हैं। जय हो सूर्य भगवान।
माता के। चलिए करते हैं दर्शन माता के। जय माता दी। बहुत ठंडा पानी है। जय माता जी। बस ठीक है इतना कितना भैया, यहाँ तक सही है। जय माता जी। चलिए आप लोग को भी साथ में ही टुक्की करवा। जय हो। बहुत ठंडा पानी है। जय माता दी। जय माता दी। ज्यादा नहीं गहरा है। जय माता दी। जय माता दी। बहुत ठंडा है। बहुत ज्यादा ही ठंडा है। जय माता दी। जय माता दी। बहुत ही खूबसूरत नजारा। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो यहाँ पे जो पूजा करते हैं वो लोग दस भी पूजा डॉल ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और जय माता दी। जय माता दी। ये मुझे नहीं पता कहाँ तक बेसिकली इतना गहरा है। लोग कहते हैं इससे आगे मत जाइए, मतलब अब उनको भी नहीं पता है बेसिकली, तो इसीलिए वो लोग इतना करते हैं, इससे आगे नहीं ले जाते और नहीं करते हैं। सो ये सीन है यहाँ पे। बहुत ठंडी है कसम से, बहुत ज़्यादा ही ठंडा पानी है। पूरा सब सुन्न हो गया है। बहुत ठंडा है। जय माँ गंगा। जय माता दी। जय माता दी। देखना आप लोग वो पूरा जो एरिया है वहाँ बताते हैं कि जैसे ये सब है, सब ये औघड़ बाबा लोग रहते हैं, एक महीने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो बेसिकली ये लोग जो शिवरात्रि होगी उसके बाद चले जाएंगे। जो 5 तारीख को कुंभ हुआ था वो लास्ट यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगा था, शिवरात्रि तक मेला रहेगा यहाँ पे और फिर उसके बाद समापन हो जाएगा सब कुछ। ये पूरा जो तट बना हुआ है नाव का बना हुआ है। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय। जय माता दी। जय माता दी। जय गंगा मैया। स्नान हो गया है, आप चल रहे हैं यहाँ से वापस और फिर आपको एक और मंदिर है वहां के दर्शन कराएंगे। चलिए बैठे हैं नाव में वापस से। जैकेट वापस पहननी है। जमुना माता गंगा मैया। जय गंगा मैया की जय। और यहाँ पे गुप्त रूप में सरस्वती माता। बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा। बेसिकली मन कर रहा है सारे मूवमेंट जितने भी यहाँ पे हो रहे हैं ना कैप्चर कर लो। देखे ना कितना ही खूबसूरत है। बहुत भीड़ है। देखिए जितनी भी नाव वहां से आती हैं वो सब आती हैं और यहाँ पे एक तट बना हुआ है नावों का, यहाँ पे आके फंसा देती हैं। फिर उनके पास एक छोटा सा तट होता है जिसमें मैं गया था गंगा जी के अंदर,
संगम में नहाने के लिए वो, तो वो सब जगह बना है छोटा थोड़े दूर पे, तो पूरी लाइन से पूरा तट बना हुआ। जो ये आपको फोटोज में दिखता है ना वो ये है एक्चुअल में। जय हो जय हो जय। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे भैया को बहुत मेहनत पड़ रही है, इस टाइम पे बहुत तेज हवा चल रही है जिससे कि लहरें बहुत सारी उठ रही हैं और ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ देखिए ये यमुना माता, ये गंगा माता, पूरा मतलब दिख तो आपको अलग दिख रहा है पूरा, दो अलग अलग यहीं पे आके मिल रही है। इधर से माँ गंगा आ रही है, इधर से माँ यमुना जी, और सरस्वती माता यहाँ पे गुप्त रूप में मानी जाती है। ये साइबेरियन पक्षी हैं सब जो ऑस्ट्रेलिया से बताया जाता है। तो यहाँ पे सामने है नैनी ब्रिज और ये वही जगह है जहाँ पे एक तो संगम है और दूसरा भगवान श्री राम केवट के थ्रू जब पूरा पार करके जाते हैं चित्रकूट के लिए, पूरी नदी पार करके जाते हैं, तो वो यही यही जगह थी। और यहाँ पे इस टाइम पे सबको निषाद राज कहते हैं, क्या कहते हैं? निषाद राज केवट, जितने भी लोग केवट उसी नाम से, सारे केवट के नाम से फेमस है सारे, जितने भी यहाँ पे लोग ना सब केवट नाम से ही फेमस है। केवट ही राम भगवान को पार लगाए थे ना, इसीलिए केवट ही सारे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सियावर रामचंद्र जी की जय। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मैया गंगा, जय यमुना माता, जय सरस्वती माता। मैं रोजाना मंदिरों का दर्शन कराता हूं आपको, आज गंगा और माता गंगा यमुना सरस्वती के संगम के दर्शन कराए। सो आपको दर्शन कर कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। सियावर रामचंद्र जी की जय। जय माता दी।